नमस्कार साथियों मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार एग्जाम फिनिशर पर तो जल्दी से बता दीजिए कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद कर रहा हूं कि आप मस्त होंगे स्वस्थ होंगे बेहतर होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे तो जैसा कि आपको पता है कि हम रोजाना शाम पांच बजे एग्जाम फिनिशर चैनल पर आर्मी से संबंधित जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से हम आपको रोजाना टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं जिससे आप अपनी तैयारी परखने में या तैयारी को देख देखते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है उसी सीरीज में आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूं लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो जानकारी दे देता हूं कि हमारी एसएससी मेकर की ऐप पर हमने आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए टारगेट बैच स्टार्ट किया है आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए पायलट बैच है सीजीएल सीएचएसएल के लिए संकल्प बैच है और आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल बैच हमने स्टार्ट किया है तो जो भी बच्चा जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो उस बैच में एनरोल करे अपनी तैयारी बेहतर करे नेक्स्ट उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है तो पहला ऑप्शन है फ्लो फ्लोरीन दूसरा पोटेशियम तीसरा सीसा और चौथा एल्यूमिनियम जल्दी से बताइए कि उर्वरकों के निर्माण में कौन सा आपका तत्व प्रयोग में लाया जाता है सर हमने कहीं ना कहीं एक बात जरूर सुनी है कि उर्वरक जो होते हैं फर्टिलाइजर्स के रूप में हम किस किस का प्रयोग करते हैं सर नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं फॉस्फोरस का प्रयोग करते हैं और है, पोटेशियम का प्रयोग करते हैं बिल्कुल सर एनपीके का प्रयोग करते हैं हम तो आप देख लीजिए यहां पे क्या नाम आ रहा है सर पोटेशियम नाम आ रहा है तो हम किसका प्रयोग करते हैं पोटेशियम का प्रयोग करते हैं किसके रूप में फर्टिलाइजर्स के रूप में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है ऑप्शन है आइसोप्रीन का स्टाइरिन का ब्यूटाडाइन का या एथीन का प्राकृतिक जो रबड़ होता है वो किसका बहुलक होता है सर प्राकृतिक जो रबड़ होता है ये किसका बहुलक होता है तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है किसका बहुलक होता है आइसोप्रीन का बहुलक होता है सर जो प्राकृतिक रबड़ होता है ना इसकी एक विशेषता होती है क्या विशेषता होती है कि ये प्राकृतिक रबड़ प्राकृतिक रबड़ क्या होता है नरम होता है अब इसे कठोर करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है सल्फर मिलाया जाता है क्या मिलाया जाता है सल्फर मिलाया जाता है और सल्फर कितना परसेंट मिलाया जाता है तो तीन से पांच परसेंट मिलाया जाता है पता चल गई सर ये बात तो हमें तो प्राकृतिक रबड़ का किसका बहुलक होता है आइसोप्रीन का ऑप्शन ए क्या रहेगा सही रहेगा सर यहां पे एक ऑप्शन और दे रखा है स्टाइरिन क्या ऑप्शन दे रखा है स्टाइरिन ऑप्शन दे रखा है आपसे पेपर में ये भी पूछ सकता है कि स्टाइरिन स्टाइरिन किसका बहुलक होता है तो याद रखना यह किसका बहुलक होता है पोलिस्टाइरिन का बहुलक होता है पोलिस्टाइरिन इस पोलिस्टाइरिन का प्रयोग कहां पर करते हैं तो याद रखना कंगा बनाने में कोम्ब बनाने में इसका प्रयोग करते हैं चलो सर सारी की सारी बातें हमें पता चल गई कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है तो याद रखना ये आपका आइसोप्रेन का बहुलक होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सूर्य की सतह सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व भूतायत में पाया जाता है पहला ऑप्शन है हीलियम दूसरा नियोन तीसरा आर्गन और चौथा ऑक्सीजन जल्दी से बता दीजिए सही आंसर क्या होगा तो सूर्य की सतह पर सर हाइड्रोजन के अलावा आपसे पूछा जाए कि दूसरा तत्व कौन सा होता है तो कौन सा होता है हीलियम होता है ऑप्शन ए क्या रहेगा सही रहेगा ऑप्शन ए क्या रहेगा सही रहेगा सर सूर्य की बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस महाराज के बारे में बात कर लेते हैं सर ये हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन एटम मिलकर या दो हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं किसका हीलियम का एक बड़ा नाभिक बना देते हैं किसका हीलियम का नाभिक बना देते हैं इसीलिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि सूर्य की एनर्जी का स्रोत क्या होता है तो याद रखना नाभिकीय संलयन नाभिकीय संलयन सूर्य की एनर्जी का क्या होता है सोर्स होता है क्या होता है सोर्स होता है सर एक दो बात और बताओ जो हीलियम जो होती है अगर हीलियम की बात की जाए हीलियम की अगर बात की जाए आपसे तो जो ये हीलियम होती है ये क्या होती है इनर्ट गैस होती है क्या होती है इनर्ट गैस होती है एक्रिय गैस होती है क्या होती है एक् गैस होती है हीलियम जो होती है ये कैसी गैस होती है इनर्ट गैस होती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है सर एलपीजी के प्रमुख घटक की बात की जाए तो हमें पता है कि एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है लिक्विड लिक्विड पेट्रोलियम लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है एलपीजी की फॉर्म क्या होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है सर इसका प्रमुख घटक क्या होता है आपको पता है कि एलपीजी का सिलेंडर जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो उसके जो भाव थे वो आसमान छूने लगे अब जैसे ही हम घर पे सिलेंडर खत्म होता है पापा को ये कहते हैं कि पापा सिलेंडर खत्म हो गया है तो उनकी जो बीपी है वो बढ़ जाती है तो एलपीजी का सिलेंडर मांगते ही पापा की क्या बढ़ जाती है बीपी बढ़ जाती है तो बी का मतलब क्या होता है ब्यूटेन बी का मतलब क्या होता है ब्यूटेन होता है और पी का मतलब क्या होता है प्रोपेन होता है पी का मतलब क्या होता है प्रोपेन तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है एलपीजी में ब्यूटेन होती है ऑप्शन डी क्या रहेगा सही रहेगा ऑप्शन डी क्या रहेगा सही रहेगा नेक्स्ट ओजोन परत कहां पाई जाती है ओजोन परत कहां पर पाई जाती है बता दीजिए ओजोन परत कहां पर होती है पहला ऑप्शन है छोभ मंडल में दूसरा आयन मंडल में तीसरा समताप मंडल में और चौथा बहिर्मंडल में सर ओजोन परत की बात की जाए तो ओजोन परत की हमें सारी बात बता दो एक ही बात में ओजोन परत सबसे पहले बात याद रखना कि ओजोन परत अल्ट्रावलेट रेज से हमारी रक्षा करती है जो पैराबैग्निक किरणें होते हैं उनसे क्या करती है रक्षा करने का काम करती है कौन है अल्ट्रा वोयलेट रेज से ओजोन परत जो होती है ये अल्ट्रा रेज से रक्षा करने का काम करती है दूसरा सर जो ये ओजोन परत होती है इसमें ये किससे मिलकर बनी होती है ओजोन गैस से मिलकर बनी होती है किससे मिलकर बने होती है ओजोन गैस से सर ओजोन गैस का निर्माण करने का काम कौन करता है तो ओजोन गैस किसके प्रभाव से बनती है तो याद रखना अल्ट्रा वोलेट रेज यही अल्ट्रा वोयलेट रेज पैराबैग्निकरण ओजोन परत के निर्माण में भी क्या होती हैं सहायक होते हैं सर ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो किस में मापी जाती है डाबसन में मापी जाती है किस में मापी जाती है डाबसन में मापी जाती है ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो किस में मापी जाती तो है तो याद रखना डाबसन में इसकी मोटाई मापी जाती है सर ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखना 16 सितंबर को मनाया जाता है कब मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है सर जो ये अल्ट्रावलिट रेज होती है कितने प्रकार की होती है तीन प्रकार की होती है सी बी और ए और सबसे खतरनाक कौन सी होती है आपकी तो याद रखना सबसे खतरनाक जो होती है ना वो सी होती है कौन सी होती है सी तो आपसे कोई पूछे कि ओजोन परत कहां पर पाई जाती है तो समताप मंडल में पाई जाती है ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका सही रहेगा नेक्स्ट हैलोचन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है भाई हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है पहला है फ्लोरिन दूसरा क्लोरिन तीसरा ब्रोमिन और चौथा आयोडिन तो आपने एक चीज देखी होगी कि हमारी पीरियोडिक टेबल सर कुछ इस वे से होती है बिल्कुल होती है पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी सी सकल दिखाई देती है आपको पीरियोडिक टेबल की जी हाँ सर तो सर पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड होते हैं वो कितने होते हैं सात और ग्रुप की संख्या कितनी होती है अठारह होती है कितनी होती है अठारह होती है तो जो अठारह नंबर ग्रुप होता है इसे क्या कहा जाता है तो याद रखना इसे कहा जाता है जीरो ग्रुप क्या कहा जाता है जीरो ग्रुप कहा जाता है अठारहवें नंबर ग्रुप को क्या कहा जाता है जीरो ग्रुप का आ जाता है अठारहवें नंबर जो ग्रुप है इसे जीरो ग्रुप कहा जाता है जो सत्रह नंबर ग्रुप है ना ग्रुप सेवनटीन इसे क्या कहा जाता है हेलोजन कहा जाता है क्या कहा जाता है हेलोजन कहा जाता है इसी हेलोजन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं तो याद रखना एक फ्लोरिन आता है एक क्लोरिन आता है एक ब्रोमिन आता है और एक आयोडिन आता है और भी एस्टिटाइन वगैरह आते हैं लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है फ्लोरिन होता है सर ऑप्शन ए क्या रहेगा सही रहेगा यह इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि गैस गैस के 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 साथ 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 अभिक्रिया कर कर लेता लेता है है और और कौन सी इसी कारण जीनोन को क्या कहा जाता है विचित्र गैस कहा जाता है स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है क्योंकि आपको पता है कि जो भी नोबेल गैस होती है उसका इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन

एलपीजी का प्रमुख घटक क्या होता है ब्यूटेन क्या होता है ब्यूटेन होता है अब एक बात बताओ आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिगरेट लाइटर के अंदर कौन सी गैस होती है सिगरेट लाइटर के अंदर कौन सी गैस होती है तो याद रखना सिगरेट लाइटर के अंदर ब्यूटेन गैस होती है कौन सी होती है ब्यूटेन गैस होती है सिगरेट लाइटर के अंदर कौन सी गैस होती है ब्यूटेन होते हैं अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो सीएनजी होती है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होती है प्राकृतिक जो गैस होती है सी जो होती है इसका मुख्य सोर्स क्या होता है तो याद रखना मीथेन होता है क्या होता है मीथेन नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि गोबर गैस का मुख्य सोर्स क्या होता है या गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है तो याद रखना मीथेन होती है कौन सी होती है मीथेन होती है तो इन सभी को आपको याद रखना है एलपीजी का प्रमुख घटक क्या होता है ब्यूटेन दूस नेक्स्ट क्वेश्चन है के एम एन ओ फोर का प्रयोग किया जा सकता है पहला है कीटनाशी के रूप में उर्वरक के रूप में पीड़क नाशी के रूप में रोगाणु नाशी के रूप में जल्दी से बता दीजिए सही आंसर क्या रहेगा कि इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है कमेंट करके आपको बताना है कि के एम एन ओ फोर का प्रयोग किया जा सकता है किसके रूप में किया जाता है तो याद रखना जो के एम एन ओ फोर होती है इसे क्या कहा जाता है पोटेशियम पोटेशियम पर मैग्नेट का आ जाता है क्या कहा जाता है पोटेशियम पर मैगनेट का आ जाता है इसे कहा जाता है पोटेशियम पर मैगनेट कहा जाता है सर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है के एम एन ओ फोर होता है सर इसी को क्या कहते हैं लाल दवाई कहते हैं क्या कहते हैं लाल दवाई कहते हैं गांव में इसी को किस नाम से जानते हैं लाल दवाई सर इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है एज ए डिस के रूप में किया जाता है रोगाणु रोगाणुनासी के रूप में किया जाता है किस रूप में किया जाता है रोगाणु नासी के रूप में किया जाता है किसका प्रयोग किया जाता है तो याद रखना लाल दवाई का प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तारों का रंग निर्भर करता है पहला ऑप्शन है उनके तापमान पर उनके दबाव पर उनकी उम्र पर या सूर्य मंडल से उनकी दूरी पर तारों का जो तापमान होता है वो किस पे निर्भर करता है थोड़ा सा मैं साइड हो लेता हूं ताकि आपको क्वेश्चन दिखाई देने लगे तो बताओ शाह तारों का जो तापमान होता है वो किस पे निर्भर करता है सर जो तारों का तापमान तारों का जो रंग होता है वो किस पे डिपेंड करता है तारों का जो रंग होता है वो किस पे डिपेंड करता है तो याद रखना वो तापमान पे डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है तापमान पे डिपेंड करता है आपको थ्योरी क्लास में मैं बताऊंगा कि किसके एनर्जी ज्यादा होती है किस रंग की एनर्जी ज्यादा होती है चलो थोड़ी सी मैं रहस्य थोड़ा सा खोल देता हूं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि, कि किस तारे के पास अधिक ऊर्जा है मैं ऑप्शन दे देता हूं आपके पास किस तारे के पास अधिक ऊर्जा है पहला है आपके पास लाल तारा दूसरा है लाल रंग के तारे के पास दूसरा है आपके पास पीला रंग का तारा और तीसरा आपके पास है नीला रंग का तारा बता दीजिए किसके पास आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है तो याद रखना नीले रंग के तारे के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है ऐसा क्यों है सर आज तक तो हमने देखिए कि हर हर लाल चीज सबसे ज्यादा गर्म होती है ऐसा नहीं है आपने देखा होगा जब लोहे को गर्म किया जाता है तो वो सबसे पहले लाल होता है फिर पीला होता है और फिर उसके बाद कैसा रंग हो जाता है उसका नीला रंग हो जाता है यही कारण है कि नीले रंग के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है चलो ये तो सर हमने लोहे का तो काम नहीं करते कोई बात नहीं गैस देखा होगा आप शुरुआत में जब सिलेंडर लेकर आते हैं तो उसकी जो फ्लेम होती है जो उसकी जवाला होती है वो कैसी दिखाई देती है नीली दिखाई देती है उसके बाद उसका जो कलर होता है वो लास्ट में जाके पीला हो जाता है और जब बिल्कुल समाप्ति की कगार पे होता है तो कैसा होता है लाल होता है चलो सर आज इस बात का रहस्य पता चला कि सबसे ज्यादा एनर्जी पूछी जाए तो ब्लू कलर के अंदर होती है सबसे ज्यादा एनर्जी की बात की जाए लेकिन जो तारों का रंग होता है वो किस पे डिपेंड करता है तापमान पे डिपेंड करता है क्योंकि जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी उसके पास तापमान भी क्या होगा ज्यादा होगा जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है भाई बैरोमीटर का जब, जब बैरोमीटर पारा अचानक से गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है तो याद रखना बैरोमीटर का पारा जब अचानक से गिर जाए तो आंधी या तूफान आने की संभावना होती है आंधी या तूफान आने की संभावना होती है अगर ये यही पारे की रीडिंग धीरे धीरे गिरती है तो किसकी संभावना होती होती है है तो वर्षा आने की संभावना अगर यही रीडिंग ऊपर धीरे धीरे चढ़े तो आपकी किसकी संभावना होती है मौसम साफ रहने की संभावना होती है किसकी संभावना होती है मौसम साफ रहने की संभावना रहती है ऑप्शन क्या रहेगा आपका सी ऑप्शन क्या रहेगा सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बीस हर्ट से बीस हजार हर्ट्स की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है 20 से 20 की की से की की ध्वनि निम्नलिखित में क्या है पहला है अल्ट्रासाउंड दूसरा इंफ्रासोनिक तीसरा हाइपरसोनिक चौथा है सर्वे या ओडिबल ध्वनि तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा कि 20 हर्ट से 20 किलो हर्ज्स बारंबरता की ध्वनि क्या कहलाती है सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूं कि जो धवनी की तिरवता होती है ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है धवनी की जो तिरवता होती है तीव्रता जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है सर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है किस पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर सर आवृत्ति पर निर्भर करती है अब कुछ कुछ मेरे जो भाई साहब हैं या कुछ कुछ जो मेरे लाडले और लाडली हैं उनको ये नहीं पता कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है फ्रीक्वेंसी होती क्या है, है? आवृत्ति किसे कहा जाता है चलो बहुत आसान सा एग्जाम्पल देता हूं जिंदगी भर आपको याद रह जाएगा आपने कोई गलती की आपने कोई कसूर किया गलती तो आप करेंगे नहीं क्योंकि आप खुदा के दूसरे रूप हैं लेकिन फिर भी आप आमतौर पे ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनसे घर वाले नाराज हो जाते हैं अब आपने गलती की और आपके पापा ने आपको पकड़ा और एक सेकंड में आपको पांच चांटे लगा दिए अब आपके पापा ने कितने चांटे लगाए अब किसी को बाहर जाके कहोगे कि मेरे पापा ने एक सेकंड में पांच चाटे लगा दिए इसका मतलब प्रति सेकंड जो कार्य किया गया आप पे प्रति सेकंड आप पर जो कार्रवाई की गई उसे क्या कहा जाता है आवृत्ति कहा जाता है लेकिन साइंस की भाषा में कहा जाता है प्रति सेकंड कंपन होना प्रति है वाइब्रेशन पर सेकंड वाइब्रेशन को क्या कहा जाता है आवृत्ति कहा जाता है अब एक बात बताओ आपके पापा ने पांच लगाए थे आपकी मम्मी ने आपको तीन लगाए आवृत्ति किसकी ज्यादा है आपके पापा की या एक सेकंड में पंखा कितनी बार रोटेशन करता है ये उस पंखे की आवृत्ति है अब मैंने इस बोर्ड को टच किया एक सेकंड में कितनी बार टच किया तीन बार और एक व्यक्ति ने किया पांच बार तो मेरी आवृत्ति कितनी है तीन और उस व्यक्ति की आवृत्ति क्या है पांच तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है आपकी ध्वनि की तीव्रता आवृत्ति क्या होती है प्रति सेकंड कम प्रति सेकंड कंपन अब एक बात होता हूं कोई ध्वनि तेज होगी या मंद होगी कोई ध्वनि तेज होगी या धीमी होगी या मंद होगी ये किस पे डिपेंड करेगा आवृत्ति पे डिपेंड करेगा बिल्कुल करेगा सर अब एक बात देखो अब इसी चीज को हमने तीन भागों में बांट दिया जो ह्यूमन के जो ईयर होते हैं वो किस ध्वनि को सुन सकते हैं तो वो सुन सकते हैं बीस से बीस किलो हर्ज तक की किसको सुन सकते हैं बीस किलो हर्ट से बीस किलो हर्ट इसी को क्या कहा जाता है ऑडिबल साउंड है क्या कहा जाता है ऑडिबल इसी को, इसी को क्या कहा जाता है सर्वे क्या कहा जाता है, है? सर्वे ध्वनि अगर कोई साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी बीस हजार से कम है तो उसे क्या कहा जाता है तो याद रखना उसे कहा जाता है उसे कहा जाता है इंफ्रासोनिक क्या कहा जाता है कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है कहा कहा जाता जाता है है सर उसे है। अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी बीस हजार हड से बीस किलो हड से ज्यादा है तो उसे क्या कहा जाता है तो याद रखना उसे परासर्वे कहा जाता है और आपको पता है कि चमगादड़ और जो सारक मछलियां होती हैं वो अपने शिकार को कैप्चर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो सर सुनकर इतनी जानकारी तो हमें थी ही नहीं तो अब आपको बता देता हूं कि लड़कियों आवाज की आवाज किसकी तरह होती है मच्छर की तरह होती है कि मच्छर की जो आपकी पैनी आवाज होती है तेज आवाज होती है तो लड़कियों की और मच्छर की आवाज क्या होती है आपकी एक समान होती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि लड़कियों की आवाज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण उसका हाई पिच होता है हाई तारतव होता है इसी कारण से उनकी जो आवाज होती है वो तेज होती है लेकिन लड़कों की जो आवाज होती है वो शेर की जैसी दाड़नी जैसी होती है यही कारण है कि जो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है, हाई लो होती है और जो पिच होती है वो भी क्या होती है आपकी लो होती है जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर निर्भर करता है सर जल की अगर बात की जाए तो जल के जो मैक्सिमम डेंसिटी है जल की अगर मैक्सिमम डेंसिटी की बात की जाए सर्वाधिक घनत्व की बात की जाए तो वो हमें पता है कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है चार डिग्री सेल्सियस पे होता है किस पे होता है चार डिग्री सेल्सियस होता है चलो एक बात बता दो मुझे काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बॉइलिंग सॉरी एक होता है हिमांक बिंदु जिसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं और एक होता है कवतनांक बिंदु। कवतनांक होता है जिसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशुद्धि मिलाने पर कवथनांक पे क्या फर्क पड़ता है और आपका हिमांक पे क्या फर्क पड़ता है तो याद रखना अशुद्धि मिलाने पर कवथनांक बढ़ जाता है और हिमांक क्या हो जाता है कम हो जाता है हिमांक क्या हो जाता है कम हो जाता है हिमांक कम हो जाता है और अशुद्धि मिलाने पर क्या हो जाता है बढ़ जाता है ऑप्शन क्या सही रहेगा ऑप्शन सी सही रहेगा तो याद रखना इस बात को नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था क्वांटम सिद्धांत का सुझाव दिया था किसने दिया था क्वांटम सिद्धांत का सुझाव क्वांटम जो थ्योरी थी वो किसने दी थी तो याद रखना क्वांटम थ्योरी दी थी मैक्स प्लांक ने कहीं पे ऑप्शन मिल रहा होगा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन सर ये आइजैक न्यूटन थे सर आइजैक न्यूटन ने क्या दिया था एक किताब लिखी थी प्रिंसिपिया मैंने कहीं पढ़ी थी प्रिंसिपिया किताब लिखी थी इनके द्वारा और आपको भी पता है कब लिखी थी सोलह में इस भाई साहब ने गति के नियम दिए थे गति के नियम दिए थे और अगर बात की जाए तो इन्हें फिजिक्स का जन्मदाता माना जाता है भौतिकी का पिता कहा जाता है भौतिकी का पिता कहा जाता है इसी व्यक्ति के द्वारा इस बात का पता लगाया गया था कि जो विजिबल रे है जो दृश्य तरंगे हैं वो कितने कलर से मिलकर बनी है तो याद रखना सात कलर से मिलकर बनी है ये इस भाई साहब ने बताने का काम किया था सर जो ये अल्बर्ट आइंस्टीन है ना इस व्यक्ति के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया था क्या दिया था सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और आपसे पेपर में उलझाने के लिए यह कहेगा कि बताइए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल अवार्ड किसके लिए मिला था तो याद रखना इनको जो नोबेल अवार्ड था वो किसके लिए मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था विद्युत प्रकाश विद्युत के प्रभाव के कारण मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको ऑप्शन मिलेगा प्रकाश वैद्युत की प्रभाव के कारण चलो लिख देता हूं मैं कुछ कुछ बच्चे कहेंगे सर ये बात ध्यान में नहीं रही प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण इनको क्या मिला था आपका नोबेल अवार्ड मिला था क्या मिला था नोबेल अवार्ड तो इस बात को ध्यान रखना कि क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था मैक्स पलांग के द्वारा दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लक्ष्य किसकी इकाई है बता दीजिए लक्ष्य किसकी इकाई है पहला ऑप्शन है आपके पास ताप की दूसरा द्रव्यमान की तीसरा बल की और चौथा प्रदीप्ति की सर तापमान की तो तापमान मापने की अगर बात की जाए तो इसके बारे में तो आपको पता है कि मैं सारी की सारी बात बता सकता हूं क्या क्या सर तापमान को कैलविन में मापा जाता है डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है फॉरन हाइट में मापा जाता है रेनकाइन में मापा जाता है और किस में मापा जाता है सर रोमर में मापा जाता है किस में मापा जाता है रोमर में मापा जाता है लेकिन तापमान को मापने की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है कैलविन या थीटा होती है क्या होती है कैलविन या थीटा होती है चलो सर ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता सर जो द्रव्यमान होता है द्रव्यमान जो होता है इसको हम मापते हैं किलोग्राम में ये बात भी नहीं हो सकती तो मैं इसको भी कैसे मान लू सर जो बल होता है सर बल की दो यूनिट होती है एक न्यूटन ने दी थी न्यूटन यूनिट होती है और दूसरा डाइन होती है दूसरी क्या होती है डाइन होती है और डाइन कैसी यूनिट है तो याद रखना सीजीएस यूनिट है कैसी यूनिट है सीजीएस यूनिट है तो ये आपकी ये क्वेश्चन भी नहीं हो सकता तो ऑप्शन हमारे पास एक बच गया सर हमें अगर नहीं भी पता होता तो भी ऑप्शन एलिमिनेट करके हम ये बता सकते थे कि जो लक्ष्य होती है वो किसकी यूनिट होती है प्रदीप्ति की यूनिट होती है ऑप्शन डी क्या रहेगा हमारा सही आंसर रहेगा नेक्स्ट यह yeah, yeah, एक असव शक्ति का समतुल्य है भाई क्वेश्चन यह पूछा गया कि होस पावर होश पावर किसके बराबर होता है एक होस पावर किसके बराबर होता है तो याद रखना एक होस पावर किसके बराबर होता है सात सौ छियालीस है वाट के बराबर होता है किसके बराबर होता है सात सौ छियालीस है वाट के बराबर होता है सर यहां पे बात की गई है पावर की किसकी बात की गई है पावर की बात की गई शक्ति की बात की गई सर शक्ति क्या होती है सर शक्ति किसे कहा जाता है तो याद रखना शक्ति कहा जाता है रेट ऑफ डूइंग वर्क रेट ऑफ डूइंग वर्क रेट ऑफ डूइंग वर्क कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है शक्ति कहा जाता है कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है शक्ति कहा जाता है अब एक बात बताओ कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है तो पावर क्या होती है वर्क अपोन में टाइम वर्क अपोन में टाइम होती है सर वर्क क्या होता है तो वर्क को मापा जाता है जूल में में मापा जाता है जूल में और टाइम को में मापा जाता है सेकेंड में तो इसलिए सर हम ये कह सकते हैं पावर कि अगर एक यूनिट तो होती है वाट और दूसरी क्या होती है जूल पर सेकेंड जूल पर सेकेंड होते होते है जूल पर सेकेंड होते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आरपीएफ कॉन्स्टेबल और सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए हमने टारगेट बैच स्टार्ट किया है आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए हमने पायलट बैच स्टार्ट किया सीजीएल के लिए संकल्प बैच स्टार्ट किया है और आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल बैच है तो जो भी बच्चा जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो उस बैच में एनरोल करे अपनी तैयारी बेहतर करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहां लगाया जाता है ऑप्शन है कब्जों के पास मध्य बिंदु से दूर कब्जों के सामने बीच में उपयुक्त में से कोई नहीं बता दीजिए क्या आंसर रहेगा तब तक मैं एक दरवाजा बना लेता हूं एक इमेज बना लेता हूं कि उसमें कब्जों को कहां पर लगाया जाता है यह हमारी चौखट थी ये हमने लगा कुछ कब्जे। अब इसी के साथ हमने एक, एक, एक पल्ले वाला जो किवाड़ था उसे खड़ा कर दिया तो अब बता दीजिए कि जो आपका ये लगा दिया हमने हैंडल तो बता दीजिए कहां पर लगाया जाता है तो याद रखना मध्य बिंदु से दूर कब्जों के सामने ऑप्शन सी बी क्या रहेगा सही रहेगा ऑप्शन बी क्या रहेगा सही रहेगा ऑप्शन बी सही रहेगा कि जो किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहां पर लगाया जाता था मध्य बिंदु से कहां पर लगाया जाता है मध्य बिंदु, बिंदु से दूर कब्जों के सामने लगाया जाता है नेक्स्ट है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है भाई ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है चलो मैं एक बात बता देता हूं सो जखा एक लिखा एक कहानी याद रख लेना टी आई आर इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन बस कहानी खत्म हो जाएगी इस चीज की पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक बात तो ये याद रख लेना मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा संब... इतना है तो आसान लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा हूं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब गुजरेगी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किस में जाए विरल माध्यम में जाए यह आपसे पूछेगा प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब गुजरेगी जब प्रकाश की किरण किस माध्यम से जाए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए दूसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है तो याद रखना हीरे का चमकना हीरे का चमकना किस पे डिपेंड करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे एंडोस्कोपी एंडोस्कोपी किस पे डिपेंड करती है पूर्ण आंतरिक आपका ऑप्शन आ जाएगा मृग मर्चिका का बनना मृग मृचिका का बनना राजस्थान में भूल भलैया का केस दिखाया जाता है आपको हिरण रेगिस्तान में घूमता रहता है पानी की तलाश में गर्मियों में आपने भी देखा होगा रोड पे आपको पानी दिखाई देता है और चौथा है ऑप्टिकल फाइबर ये सारी की सारी घटनाएं किस पे डिपेंड करती हैं तो याद रखना है, सारी की सारी घटनाएं आपकी टी आई आर पे डिपेंड करती हैं ऑप्शन डी क्या रहेगा सही रहेगा नेक्स्ट तारों का रंग किस पे निर्भर करता है सर ये तो अभी बताया था तारों का रंग किस पे निर्भर करता है तापमान पे निर्भर करता है आकाश इसके कारण नीला दिखाई देता है चलो इस कहानी को समेट देता हूं क्योंकि पेपर नजदीक है तो सुन लीजिए एक नाम सुनोगे आप प्रकिर्णन प्रकीर्णन नाम सुना होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट वायुमंडल में प्रकाश के रंगों का बिखरना क्या कहलाता है प्रकीर्णन कहलाता है साइंस की परिभाषा थी जो आपने रट ली लेकिन आज तक चीजें समझ में नहीं वायुमंडल में प्रकाश के रंगों का बिखरना प्रकाश के रंगों का बिखरना क्या कहलाता है तो याद रखना वो कहलाता है सर प्रकीर्णन कहलाता है नहीं याद रखनी है ऐसी कुछ चीजें याद रखना चीज प्राकृतिक हो और उसके रंग की बात की गई हो और बड़ी चीज हो तो उसमें कौन सी घटना होगी प्रकीर्णन होगी आकाश बड़ा है प्राकृतिक भी है और रंग की बात की गई है तो कौन सा आ जाएगा आपका प्रकीर्णन आ जाएगा लेकिन कौन सा प्रकीर्णन आएगा रैले प्रकीर्णन ये थोड़ा सा आपका और डीप क्वेश्चन दे दिया कि रैले प्रकीर्णन कौन सा होगा रैले प्रकीर्णन के कारण रैले प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है नीला दिखाई देता है चलो बता देता हूं याद रखना मी प्रकीर्णन के कारण किसी चीज का रंग कैसा दिखाई देगा सफेद दिखाई देगा तो बादलों का सफेद रंग किसके कारण होता है मी प्रकीर्णन के कारण ऑप्शन ए सही रहेगा भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे जुड़ा हुआ है गर्भवती महिलाओं के पोषक आहार से डायबिटीज के प्रति चेतना से अंधापुन उन्मूलन से या बच्चों के टीकाकरण से ये तो पढ़ा हुआ है बच्चों के टीकाकरण से जुड़ा हुआ है आपका योजना योजना नेक्स्ट हमारे हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के के लिए किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होते हैं सर यहां पे कहीं नाम लिखा होगा कलर ब्लाइंडनेस ये जो कलर ब्लाइंडनेस होती है ये हमारी कौन सेल या संकु कोशिका खराब होने के कारण होती है हमारी आंखों में दो प्रकार की सेल पाई जाती है एक छड़ आकार की सेल जिसे हम रोड सेल कहते हैं और दूसरा शंकु आकार की कोशिका पाई जाती है जिसे हम कौन सेल कहते हैं तो इन्हीं के खराब होने से आपको कलर ब्लाइंडनेस होता है ऑप्शन बी सही रहेगा नेक्स्ट मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है इमरजेंसी के समय निकलने वाला हार्मोन कौन सा है तो याद रखना एड्रीनलिन हार्मोन होता है ये आपका हार्मोन तब निकलता है जब आपको डर लगता है आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिससे आप या तो भागने की कोशिश करते हैं या उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो आपकी इमरजेंसी के समय कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है एड्रिनल निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सबसे अच्छा स्रोत है पहला ऑप्शन है चावल सेब नारंगी और गेहूं तो कौन सा है सेब सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है सेब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ब्लड ग्रुप सर्व व्यापक ग्राहता रखता है ऑप्शन ए ए बी बी ए बी और ए बताइए कौन सा ऑप्शन रहेगा कि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं तो सर सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहते हैं हम ए बी को किसे कहते हैं ए बी को और सर्वदाता दाता किसे कहते हैं तो याद रखना सर्वदाता कहा जाता है ओ को कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से होती है मांसपेशियों के कार्य करने में नहीं सर यह बात नहीं हो सकती खून जमने में यह तो हो सकता है सर मांसपेशियों के कार्य करने में बिल्कुल हो सकता है मांसपेशियों के काम करने में भी कैल्शियम क्या हो सकता है होती है ब्लड कलोटिंग में भी सहायता होती है हड्डियों के विकास में भी होती है उपरोक्त सभी देख लीजिए ना स्वर उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द मांसपेशियों में भी सहायक होते हैं कैल्शियम बिल्कुल सही है नेक्स्ट रोग आयोडीन की कमी से होता है यह निमन में से किस क्षेत्र में व्याप्त होता है भाई जो गेंगा रोग होता है यह आयोडीन की कमी से होता है तो यह कहां पर व्याप्त हो सकता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया कैन इट बी स्प्रेड तो यह कहां पर आपका व्याप्त हो सकता है पहाड़ी क्षेत्र में कहां पर है पहाड़ी क्षेत्र में आपका व्याप्त हो सकता है ऑप्शन बी क्या रहेगा सही रहेगा विटामिन ए मुख्यतः कहां संग्रहित होता है तो यह बताया था विटामिन ए कहां पर संग्रहित होता है यकृत के अंदर लीवर का लीवर इसका सिंथेसिस करने का काम करता है विटामिन ए का ऑप्शन डी क्या रहेगा आपका सही रहेगा मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाक है क्यूलेक्स मच्छर तो आपकी फाइलेरिया बीमारी फाइलेरिया बीमारी का वाक होता है आपको आसानी से पता है कि क्यूलेक्स मच्छर आपका आती फाउ बीमारी को फैलाने का काम करता है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहां पर है सर थायराइड ग्रंथि तो कहां पर होती है गले में होती है कहां पर होती है गले में होते हैं तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास कैसे लगा आपको सेशन कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है आरपीएफ और सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए हमने टारगेट बैच स्टार्ट किया है आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए हमने पायलट बैच स्टार्ट किया है आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल बैच है हमारा और एस एस सीजीएल के लिए संकल्प बैच है जिसमें मैथ गुलशन सर पढ़ाने का काम करते हैं इंग्लिश मुकेश सर पढ़ाने का काम करते हैं जो जीएस एस सर जोगेंदर सर पढ़ाते हैं और रीजनिंग निखिल सर पढ़ाने का काम करते हैं तो एक छोटी सी फीस में आपको सारे के सारे बेहतरीन टीचर मिलेंगे तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं रोजाना रात आठ बजे एक दिन मैथ की क्लास होती है एक दिन रीजनिंग की क्लास होती है हमारे एस एस मेकर के यूट्यूब चैनल पर जिसमें आपकी मैथ और रीजनिंग की बारीकियां सिखाने का काम करते हैं आपके अपने चहते अजय सर तो इस क्लास को जरूर अटेंड कीजिए रोजाना रात है आठ बजे ये हमारे कुछ लिंक दिए गए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एसएससी मेकर ऐप का लिंक दिया गया है आप वहां पर जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स असाइनमेंट सब कुछ वहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा इंस्टाग्राम चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको तमाम जो चीजें हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं और ये लास्ट में तो आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल है जिसको आपको प्रत्येक घर तक पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी है प्रत्येक बच्चे के फोन में यूट्यूब एसएससी मेकर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब होने की जिम्मेदारी या इसे करवाने की जिम्मेदारी आप सबकी है आज के लिए इतना ही जय हिंद जय जै भारत भाई